देखिए संदीप जी, बात महत्वपूर्ण है कि जीएसटी के दाम के अंतर्गत पेट्रोल को लाना एक लॉन्ग टर्म एम सरकार का है, केंद्र सरकार का, और उसके लिए हम लोग कई बार कह चुके हैं। लेकिन कॉपरेटिव फेडरलिज्म वाली जो बात मैं हरदीप पुरी जी ने कही है वो महत्वपूर्ण है। जीएसटी काउंसिल के पास सारा पावर है, वह तय करता है। और ये जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं ये केवल डोमेस्टिक उस पर नहीं निर्भर करते, ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल कॉस्ट प्राइसेस। आज के दिन में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से ऊपर नीचे ले जा सकती है। जिस तरह से हम अगर देखें, अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह धराशायी हुई है कोविड के बाद, और आज यूरोप में एनर्जी को लेके, गैस वगैरह को पाकिस्तान की लेके तो हुई, पूरी तरह बांग्लादेश की से, तो विकास दर हमसे आगे चली गई थी। तो मैं आपको जो बता रहा हूं केवल बांग्लादेश श्रीलंका की बात ही नहीं है, यूरोप में जिस तरह से इस वक्त क्राइसिस आई हुई है एनर्जी की, तो यह सब बातों को देख के हमने देश की अर्थव्यवस्था के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। उसके जीएसटी बाद में काउंसिल में हमने, बहुमत किसका है? बहुमत से बात नहीं है वहां पे, कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता, बहुमत से नहीं हो रहा जीएसटी काउंसिल में डिसीजन। हाँ, जीएसटी काउंसिल अपने आप में कॉपरेटिव फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देश के सामने पेश कर रहा अच्छा, है, कोऑपरेटिव जिसमें फेडरलिज्म सिर्फ जीएसटी काउंसिल में ही होना है? आप अनुच्छेद 370 हटाना चाहते हैं, आप हटा देते हैं। सीए लाने की बात करते हैं तो आप ले आते हैं। पुराने कानूनों को हटाना है तो आप कर देते हैं। यहाँ आप आम सहमति कंसेंसस की बात कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? नहीं, उसका कारण यह, देखिए 370 हटाना और जीएसटी काउंसिल में इसको, ये जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल को जीएसटी में लाना, ये इक्वेट करना अपने आप में बेमानी है। अच्छा, 370 के ऊपर कितने संघर्ष किए हमारे जो संस्थापक थे, कितने आम लोगों आदमी ने ने, कितने संघर्ष किए पिछले 3 साल? तेल से, तेल की मार ने जो उसका तेल निकाला, उसका भी कुछ संज्ञान लेना देखिए चाहिए सब कि नहीं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं उसके कारण आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत में, ऐसे नहीं हो गई कि अपने आप ही भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हो गई और विश्व की सब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, अब ये इंग्लैंड जब फ्रांस। आंकड़े होते हैं ना गोपाल इसमें बाबू, आंकड़े क्या है, ये अरे तो भाई फैक्ट है, सुनिए ना, मैं तो आप बोल तो अर्थशास्त्री हैं, अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। ये आंकड़े ना बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। आप 6.5% की, वैसे भी 8.2% से आकलन विकास दर का घटते घटते 6.5% पर आ गया है, आरबीआई कह रहा है। मॉर्गन स्टैनले ने 7% कर दिया। और जब हाई हम इन्फ्लेशन विकास, एक मिनट सुनिएगा, और अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो पूरा वक्त दूंगा मेरी बात को काटने के लिए। चीन की अर्थव्यवस्था का साइज हमारी इकोनॉमी से कितना बड़ा है? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं। 3-4 गुना है उसका 4 गुना है हमारा। ना? अगर हम हाँ छह फीसदी अगर वो 5% पर ग्रो कर रहा है तो हमें उसके बराबरा करने के लिए 20% पर ग्रो करना पड़ेगा। तो हम तो कह पांच ही रहे हैं फीसदी कि 5 गुना अमेरिका की इकोनॉमी है, तो ये आंकड़े पूरी चीज नहीं बताते हैं गोपाल बाबू। नहीं, अरे तो ये मैं तो कह ही नहीं रहा कि अमेरिका और चीन को हम पार कर देंगे। चीन और अमेरिका एक आउटलायर है, बिल्कुल तेजी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन जापान की कितनी है, 4.2 है, और चीन की 14-15 है, तो वो ट्रिलियन डॉलर है। तो जापान जो हम तीसरे नंबर की टारगेट कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। लेकिन मैं, एक दूसरी बात है, ये अभी जीडीपी की टारगेट की बात नहीं कर रहे, अर्थव्यवस्था में सामूहिकता के साथ सभी चीजों को विचार करके जब इन्फॉर्म डिसीजन लिए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इन्फॉर्म जो डिसीजन के तहत नेशनलिस्ट ही इश्यू 16 बार है अलग एक्साइज है। ड्यूटी आपने लगातार बढ़ा दी, आपने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला दिया। जब $20 से कम भी कच्चे तेल की कीमत आ गई थी, हमें तो वही दाम देने पड़े। हाँ तो आज के डेट में जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज 21 लाख करोड़ का पोस्ट कोविड दिया, 250 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया, 90 करोड़ लोगों को फ्री जो राशन दिया 2-3 साल से,
फिर जो इतनी सारी जनकल्याणकारी योजनाओं में सरकार ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, इन सब में तो जो ये खर्च किया यूरोइका अगर पैसा मोमेंट कब नहीं किया आया? होता, यकायक नहीं आपको कब लगा कि पैसा अब कहाँ तेल से से ही आएगा, पैसे निकालने की जरूरत नहीं, पैसा और भी आ जाएगा जनकल्याण के लिए, अब जीएसटी के दायरे में लाते हैं? ये यूरेका मोमेंट कब आया आपका और आपकी नहीं सरकार नहीं का? ये यूरेका मूवमेंट नहीं, उन्होंने हरदीप पुरी जी ने स्पष्ट करा है कि जो हम लोग तैयार हैं प्रदेशों की भी, आप में जब ये 60% की जो इस पे अगली एक्साइज जीएसटी ड्यूटी काउंसिल में गोपाल बाबू, 16 राज्यों में आपकी सरकार है, आपके सारे मुख्यमंत्री, 4 सहयोगी दलों के साथ आपने सरकार बनाई है, 12 सीधे सीधे, उसमें बड़े बड़े राज्य आते हैं, जीएसटी काउंसिल में ऐलान करवा दीजिए कि बीजेपी शासित राज्य जीएसटी के दायरे में आने को तैयार है। तो ये ऐलान जब हरदीप पुरी जी ने कर दिया तो ये ऐलान कम है क्या? वो आप जब इनकी ऐलान को नहीं मानेंगे तो उनकी भी मत मान नहीं अच्छा, मानेंगे, उनकी भी नहीं वो मानेंगे। तो आपने ऐलान, आप कहोगे कि ये भी राजनीति है। बात ये है कि वित्त मंत्री जी को फाइनल डिसीजन लेना है, बजट की एक्सरसाइज होती है, उसके बजट में रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, बहुत सारी चीजें देश की आवश्यकता है, सब चीजों को देख के सामूहिकता से तो डिसीजन देश की लेते हैं और अनदेखी करने को फिर तैयार हो गए आप? अब जीएसटी में लाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? ये तो देखते ना, आप सबसे बड़ी मैं बात आप ही है के तर्कों के आधार पर आपके सवाल पूछ रहा सरकार हूं। ने एक्साइज खत्म की। अभी अगर प्रदेश सरकारों, जब केंद्र सरकार इतनी सारी जनकल्याणकारी योजनाएं लेके चल रही है, प्रदेश सरकार अपने वैट इतना ज्यादा 28% 30% वैट क्यों लेके चल रही है? अच्छा, एक चीज वो कहीं बताइएगा, बताइएगा मुझे, ये जो 3 रुपए 18 पैसे डीजल पर एक्साइज थी और 9 रुपए 48 पैसे, 3 रुपए 18 पैसे में से 1.5 रुपया राज्यों को मिलता था ना एक्साइज बिल्कुल में, वो राज्यों को भी देना होता है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ, और जब ये 31 रुपए 90 पैसे हो गया, एक्साइज हो गई थी ना, तब भी 1.5 रुपए ही राज्यों के पास जा रहा था, यही हो रहा था कैसे? ना? आपने एक्साइज तो वहीं रखी, पर एक्साइज में ही स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेस वगैरह सब लगा दिए और वो सब केंद्र के खाते में जा रहे थे। नहीं, इतना अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, हुआ? प्रदेश अच्छा, सरकार कैसे अलग हुआ से, था बताइए। नहीं संदीप जी, प्रदेश सरकार अलग से 28% जो वो वैट अलग लगाती है है, उतना जाता एक्साइज में भी उनका पुट होता, 62% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, वैट 9% बढ़ा, सरकार भी इस बात को मान रही है। तो जो केंद्र सरकार के पास जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 42% प्रदेश सरकारों को जाता है ना, और जब वैट, जब ये एक्साइज से जो पूरा जितनी कमाई हुई, विपक्ष कहता है संदीप जी, 26 से पूरी बात 27 लाख समझिए ना, करोड़, पूरी बात उसका समझिए, 42% क्या राज्यों के पास गया?